तो ये पाचन तंत्र को ठीक करने वाला बहुत ही गजब का पावरफुल नुस्खा है और इससे पशु का 100% दूध बढ़ेगा। पशु को स्वस्थ रखना चाहते हैं, पशु के पाचन तंत्र को सही रखना चाहते हैं, और पाचन तंत्र जब सही होगा तो दोस्तों पशु का दूध जबरदस्त बढ़ेगा। जैसे ही पशु समय पर खाएगा, समय पर वो गोबर करेगा, समय पर उसका डाइजेशन होगा, तो अपने आप ही पशु का दूध बढ़ता जाएगा। तो पाचन तंत्र को ठीक करने वाला एक जबरदस्त घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार बनाओगे कई महीने फॉर्मूला चलेगा। बहुत कम पैसे में ये फॉर्मूला आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पशु की डिलीवरी होती है पशु का पाचन तंत्र खराब हो जाता है, पशु को भूख नहीं लगती है, पशु का डाइजेशन खराब हो जाता है, कभी कब्जी हो रही है, कभी पतला गोबर हो रहा है, यानी पाचन तंत्र ही मेन पशु का माना जाता है। यदि पाचन तंत्र ठीक हो गया उस पशु का दूध अपने आप बढ़ेगा, पशु हेल्थी बना रहेगा, पशु के शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी, और हर प्रकार के पशु को आप दे सकते हैं, गाय भैंस बकरी सभी प्रकार के पशुओं को। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको 1 केजी कारा नमक लेके आना है, फिर उसके बाद में 1 केजी आपको लेना है सेंधा नमक, उसके बाद में आपको लेना है साधारण नमक जिसको बोलते हैं सफ़ेद नमक, जो हमेशा आप यूज करते हैं घरेलू नमक। 3 केजी हो गया, 3 प्रकार के नमक हो गए। इसी के अनुपात में आपको लेना है 2 से लेके 3 केजी के बीच में धागे वाली मिश्री का पाउडर, 2 से लेके 3 केजी के बीच में टोटल ये हो गए। इन सभी को मिक्स करना है। तीन तीन तो नमक हो गए और एक आपका हो गया धागे वाली मिश्री का पाउडर। इन सभी को मिक्स करके और एक कांच के बर्तन में आप रख लीजिए। उसके बाद में क्या करना है तो 100 ग्राम इसमें से निकालना है और जिस पशु को देना है, जैसे गाय भैंस से बड़ा पशु है तो 20 ग्राम आपको मीठा सोडा लेना है और इसके अंदर मिला देना है, और मिला के जो भी आप पशु को दलिया वगैरह जो भी खिला रहे हैं उसमें ढाल दीजिए। ये एक दिन छोड़कर एक दिन आपको देना है, फिर देखना वो आपका पशु कैसे स्वस्थ बने रहेगा, हमेशा अस्पुष्ट रहेगा, पशु का डाइजेशन ठीक होगा यानी पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पशु का दूध कम नहीं होगा, क्योंकि मेन कारण 100 रोगों का एक इलाज है पेट, पाचन तंत्र। यदि पाचन तंत्र ठीक हो गया पशु अपने आप ठीक हो गया। तो बकरी है तो बकरी को 50 ग्राम आपको ये देना है और 10 ग्राम मीठा सोडा मिला देना है। इसी प्रकार से यदि छोटे कटरा कटड़ी है, बछड़ा बछड़ी है, उनको आपको 20 से 25 ग्राम ये लेना है और 5 ग्राम मीठा सोडा लेना है और देते रहना है, एक दिन छोड़ के एक दिन देना है। फिर देखना कैसे पशु का डाइजेशन ठीक होगा, पशु स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब पशु का पाचन तंत्र ठीक होगा तो पशु में अनेक प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर किसान भाई को इसका फायदा मिल सके। बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कभी भी आप दे सकते हैं, दिन में एक बार देना है, फिर देखना इसका कमाल का रिजल्ट, और एक दिन छोड़ के एक दिन देना है। फिर भी किसी प्रकार का वो डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान।